कहते हैं कि भोलेनाथ शिव की जो भी साधक सच्चे मन से आराधना करता है, महाशिवरात्रि का व्रत करता है, पूजा अर्चना करता है और विशेष साधनाएं पूर्ण करता है, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि, सुख शांति और समृद्धि आती है। आप और हम मिलकर करेंगे नागपुर की बावन धारा में रुद्राभिषेक और वो साधनाएं जो भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके हम सबको जीवन में कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिसमें व्यापार में वृद्धि, ग्रह कलेश से मुक्ति, ऋण मुक्ति और सुख समृद्धि की विशेष साधनाएं और उपयोग प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। तो आइए भाग लीजिए 13 फरवरी महाशिवरात्रि शिविर नागपुर में, जहां आप अपने परिवार सहित कर पाएंगे 8 करोड़ से भी ज्यादा शिव प्रिय मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित 21.25 किलो के पारद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तथा विशेष शिव गौरीश्वर साधना। साथ ही गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी के मुख से जानेंगे अपने जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों से निजात पाने के उपाय। इस शिविर में आप गुरुदेव से पूछ पाएंगे अपना कोई एक विशेष प्रश्न तथा गुरुदेव के हाथों उपहार स्वरूप अपने परिवार के किसी एक सदस्य के लिए पा सकेंगे विशेष अभिमंत्रित रुद्राक्ष। 13 फरवरी नागपुर साधना शिविर में भाग लेने के लिए आप इन फोन नंबर पर संपर्क करके अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं 9371073487, 7722076953, 9829026625। मेरे प्यारे शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, कन्या राशि जिनको ऑलरेडी शनि की ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए फरवरी 2018 का महीना, जो कि बड़ा खुशनुमा महीना है, सर्द ऋतु जाने को है, गर्मी दस्तक देने को है और साथ में महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ शिव और आशीर्वाद माँ पार्वती आशीर्वाद देने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप इन सब शुभ मौकों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना, इसका फैसला हम ये आपके राशिफल में विश्लेषण करके ही देख पाएंगे। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि कन्या राशि वाले लोगों की फरवरी में कुंडली कैसी बन रही उस पर नजर डालिए, या सेकंड हाउस में देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ में थर्ड हाउस में मंगल विराजमान जो कि स्वग्रही है, या इंपॉर्टेंट ये कि आपके सुख और माता जी का घर पापकर्त्री दोष में रहेंगे, पीछे मंगल आगे सूर्य केतु का ग्रहण दोष। शुक्र फोर्थ हाउस में शनि विराजमान रहेंगे और शुक्र शुरुआत में फिफ्थ हाउस में रहेंगे, यानी फिफ्थ हाउस में बंच ऑफ प्लैनेट्स यानी चार चार ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है, जो कि आपके एजुकेशन का घर है और संतान का घर है। परंतु 6 फरवरी से शुक्र मंथ एंड तक 6th हाउस में चले जाएंगे, मित्र और अपने गुरु माफ करेगा अपने मित्र और शिष्य के घर में। सूर्य शुरुआत में 5th हाउस में रहेंगे, परंतु 12 फरवरी से मंथ एंड तक 6th हाउस में रहेंगे। यहाँ सूर्य केतु का ग्रहण दोष और बुध केतु का जड़त्व दोष परेशान करेगा। बुध शुरुआत में 5th हाउस में रहेंगे, लेकिन 14 फरवरी से मंथ एंड तक ये 6th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य योग और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 5th हाउस में एज यूजुअल केतु विराजमान रहेंगे और 11th हाउस में राहु रहेंगे। सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य रहेंगे, साथ में शनि के ढैया का प्रभाव भी रहेगा, और जब जब ये काल सर्प योग का प्रभाव नहीं रहेगा उसमें चंद्रमा बाहर रहेंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अन्यथा काल सर्प योग तक का प्रभाव मिल सकता है। शुरुआत करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग व्यापार कर रहे हैं और इस महीने की आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि 2nd हाउस में षडाष्टक दोष तो बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप अगर किसी पैतृक काम से जुड़े हुए हैं, जैसे आपके पिताजी का, दादाजी की बनाई हुई कोई संपत्ति, या फिर वहां पर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद पूरा मिलेगा। अगर वो लोग जिंदा नहीं है जिन्होंने व्यापार शुरू किया था और वही व्यापार आप कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप तेल का दीपक रसोई घर में जल स्थान के आसपास लगाएं और अपने उन पूर्वजों को जो आपको व्यापार अपनी संपत्ति देकर गए उनको याद जरूर करिएगा, बहुत आशीर्वाद इस महीने मिलेगा। आपके बिजनेस प्रेमिजेज में आप जहां पर भी काम करते हैं कोशिश करें एक या जो भी पंडित जी आपको मिल सके रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, क्योंकि आपको नजर बहुत लगती है, अपने ही लोगों की नजर लग जाती है। यहां पर 2nd हाउस में गुरु विराजमान तो है, लेकिन राहु की 9वीं दृष्टि व्यापार भाव पर है जो लंबे समय तक रहेगी, जिस वजह से कई बार हमारे बनते काम बिगड़ते हैं, ऐसा लगता है ये डील तो हमारी हो गई, वहीं वो गाड़ी अटक जाती है। नए नए काम हम करना तो चाहते हैं लेकिन शुरुआत तो आप बड़े तेजी से करते हैं लेकिन बाद आप कर नहीं पाते। नए नए आइडियाज आते हैं आपको बिजनेस एक्सपांशन के लिए लेकिन फिर आप भूल जाते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें।
जहां तक हम फाइनेंस की बात करें तो धन भाव के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, वो फिफ्थ हाउस में रहेंगे, 6 फरवरी तक तो वही रहेंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे, ये प्लस पॉइंट है। परंतु यहां पर बुध केतु का जड़त्व दोष और ग्रहण दोष भी बन रहा है, जिस कारण धन की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। इस महीने कोई खास इसमें बदलाव नहीं रहेगा। बात करते हैं महिलाएं और फैमिली सुख की। पति भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, वो सेकंड हाउस में चले गए कुटुंब स्थान में। आप अपने पति को अगर खुश देखना चाहती हैं, पति के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहती हैं, तो आप पति जिन लोगों को पसंद करते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन या जिनके साथ भी संबंध अच्छे, आपको उनके साथ संबंध अच्छे बनाने, ऑटोमेटिक आपकी मैरिटल लाइफ ठीक हो जाएगी। राहु की नवमी दृष्टि पति भाव पर आपके लिए विलन का काम इस महीने करेगी, जिसमें ग्रहण दोष और जड़त्व दोष भी संतान के घर में, जिस वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं करें, जिसका आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा आपके पति के द्वारा। तो इस सामंजस्य को बनाकर आपको चलना पड़ेगा, तालमेल सही ढंग से, तुला की तरह यानी तराजू की तरह आपको सही ढंग से बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी पति का मूड हो, स्पेशली वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को, तो आप अपने आने वाले समय में जो समर वैकेशन है वहाँ पर जाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ कैसे हम टाइम स्पेंड करें, बच्चों को हमेशा समझाने के बजाय उन्हें सलाह समझाने का प्रयास करेंगे, उससे बेहतर है कि उन्हें समझने का प्रयास किया जाए। पति पत्नी दोनों बैठकर योजना बनाइए अपने परिवार, अपनी फैमिली बॉन्डिंग के लिए, तो अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, जो कि हमारे संतान और संतान से सुख का, एजुकेशन का भी है। फिफ्थ हाउस में चार चार ग्रहों का जमावड़ा है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनि फोर्थ हाउस में चले गए इस महीने। एक बात तो अच्छी है कि संतान से सुख आपको अच्छा मिल सकता है, लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की पढ़ाई इस महीने डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बुध केतु का जड़त्व दोष और सूर्य केतु के ग्रहण दोष के कारण, और वो आपकी खुद की नहीं आपके दोस्तों की वजह से होगा। हो सकता है आपके दोस्त खुद की पढ़ाई पूरे टाइम पर करें फिर आपको डिस्टर्ब करें। आप यंग हैं, युवा हैं, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, जो युवा वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है, उत्साह है, इसमें अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बनाने की कोशिश करेंगे, है तो उसके साथ आप किसी प्रकार का रिलेशन बनाने की, या फिर जो भी हम घूमना फिरना या किसी प्रकार का गिफ्ट का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, प्यार, इश्क और मोहब्बत आपको उसमें तो लाभ दे सकता है, लेकिन आपके एजुकेशन पर ग्रहण लग सकता है। बहुत समझदारी से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि हमारे हेल्थ और एनिमीज की। सिक्स लॉर्ड शनि बनते हैं, वो अपने से 3-11 का संबंध बना रहे फोर्थ हाउस में, और सिक्स हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। दुश्मन कुछ बिगाड़ कर नहीं पाएंगे। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ में आप थोड़े से लापरवाह ज्यादा हैं। आप कभी जिम की फीस तो पूरी दे देते हैं, शॉर्ट्स खरीदेंगे, शूज़ खरीदेंगे, 4 दिन का जोश आएगा, लेकिन कंटिन्यू कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको संकल्प शक्ति को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। कोशिश करें कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने खान पान, अपने डेली रूटीन, उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम खाने पीने के लिए, एक अच्छे जीवन जीने के लिए तो जी रहे हैं। हेल्थ इज वेल्थ, जो इस महीने आपकी कमजोर रहेगी। दुश्मन आपके पनपेंगे, बिगाड़ आपका कर पाएंगे और कुछ हद तक कर भी पाएंगे। आप सावधान रहेंगे तो काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशनल्स लोगों की। थर्ड जहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं, कुंडली का 10th हाउस होता है, उसके लॉर्ड बुध बनते हैं, वो पहले फिफ्थ हाउस में रहेंगे फिर सिक्स हाउस में रहेंगे। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 फरवरी तक ही आप जॉब अप्लाई करनी तो पहले ही कर लीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो आप 22 तारीख के बाद करिए। कोशिश करें कि वेडनेसडे और फ्राइडे को ही जॉब अप्लाई की जाए। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिस वजह से जितने लोग जो ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी जॉब के लिए बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि कर्म स्थान पर होने की वजह से नए नए आइडियाज़ आप अपने ऑफिस में देंगे। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आपको सरकार से बड़ा लाभ मिल सकता है। किसी नई योजना से आप अपने प्रोफेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल स्किल और मैनेजमेंट की स्किल को और डेवलप करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दीजिए, रिसर्च करिए और डेवलपमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो जॉब बदलने की कोशिश इस महीने ना करें। जो जॉब कर रहे हैं उसमें मेंटल अटेंडेंस और फिजिकल अटेंडेंस दोनों होनी ज़रूरी है, और तब जाकर आपके लिए लाभ मिलेगा। आप इस महीने कोशिश करें कि जब भी टाइम मिलता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी जहां आप जॉब करें उसके बारे में अच्छे से अच्छा सोचिए। ये सोच ही आपके लिए प्रमोशन का काम कर सकती है। जो लोग किसी प्रकार के गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनका मंगल का षडाष्टक दोष होने की वजह से और शनि मंगल का 2-12 का संबंध होने की वजह से आपके अपने ही लोग जो आपका राज जानते हैं या आपने खुद बता रखा है उनसे आपको बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। कोशिश करें कि आप ऐसे सब चीज़ों में ना ध्यान दें, सिर्फ अपने काम से काम रखें तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए शनि की ढैया होने की वजह से चीज़ें डिले ज़रूर होंगी, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा।
तो ये था कन्या राशि का फरवरी 2018 का राशिफल। आप हमारे वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए जोधपुर कार्यालय में संपर्क कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है। आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियां यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराएं नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। संपर्क करें गुरुदेव सुरेश श्रीमाली, 19-20A हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। फोन नंबर 02915190000 और 9829026625 और 9314749222।